Hello everyone, today we are going to talk about respiration. This is from chapter 6 Life Processes. Firstly, we are going to see the definition. What do you mean by respiration? पहले हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन में एक्जैक्टली exactly हमारी बॉडी के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है एंड व्हाट इज़ द यूटिलिटी उसके बाद हम डेफिनेशन वहाँ से डिराइव करते हैं द थिंग इज नॉन एज ग्लूकोज एंड द सिंपल मॉलिक्यूल वी आर गेटिंग फ्रॉम आर फूड नेक्स्ट थिंग इज ऑक्सीजन वी आर गेटिंग दिस थिंग फ्राम एयर We are going to combine these two things, glucose and oxygen, to get energy. This energy in the form of a molecule known as ATP. Then there will be a production of carbon dioxide and water. NCRT may have help book. Respiration beta. कॉम्प्लेक्सी डेफिनेशन आपको दे रखी है दैट दिस इज द प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग टू यूज ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गेट ए टी पी जिसको हम क्या बोलते हैं एनर्जी बट टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी शॉर्ट मैथड टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग एक्चुअली हमारी बॉडी किससे बनी हुई है सेल्स सेल्स को लिविंग रखने के लिए दे नीड टू परफॉर्म देयर ऑल फंक्शंस एट ऑल द टाइम्स और इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जैसे आप कोई भी काम चाहे वो आपकी स्टडी है कुकिंग है वॉकिंग है या इवन स्लीपिंग जैसा काम आप एनर्जी के बिना या खाली पेट नहीं कर सकते हैं ऐसे हमारे सेल्स को लिविंग रहने के लिए उनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जिनको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन है रेप्लीकेशन है प्रोटीन सिंथेसिस है सो मैनी आर द एग्जाम्पल्स तो उनको लिविंग रखने के लिए एक्टिव रखने के लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है ए की फाइन और ये ए के बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में आपने देखा जो पहली चीज है वो है ग्लूकोस। ग्लूकोस हमारे पास फूड से आता है और फूड में भी स्पेसिफिक मैं ग्रुप की बात करती हूँ सो दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलते हैं इट इज सीरियल्स जस्ट लाइक वीट राइस बार्ले एक्सेट्रा वी आर हैविंग इसीलिए कोई भी अगर आपकी मील होती है सपोज दिस इज़ योर प्लेट प्लेट का जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो किससे फिल रहता है हमारा कुछ ऐसी चीज़ों से फिल रहता है जो सीरियल से बनी हुई है इट कुड बी अ चपाती पराठा पूरी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा ऑन डाइजेशन दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इन टू वेरी वेरी स्मॉल यूनिट नॉन एज ग्लूकोज तो हमने खाना जब खाया था तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल थे जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे थे डाइजेशन करने के बाद व्हाट वी हैव गॉट वी हैव गॉट द ग्लूकोज़ ये ग्लूकोज ब्लड को दे दिया जाता है डाइजेशन के बाद हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन एयर से इनहेल कर लेते हैं दोनों चीज़ मिक्स होके कहाँ पहुँचते हैं सेल के पास सेल में एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है नोन एज़ माइटोकॉन्ड्रिया आपने नाइन्थ में भी किया होगा एंड माइटोकोन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि यहीं पे बेटा ये जो दोनों चीज़ हैं ग्लूकोज जो ब्लड के साथ आई थी ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में ही मिक्स होकर आती है और माइटोकोन्ड्रिया में जब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ एडीनो साइन ट्राई फोस्फेट जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं ए टी पी फाइन सो दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया ने बेटा ये जो एनर्जी करेंसी बनाई है वो सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि हर एक ऑर्गेनेल जिसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है जो हमारे सेल में रोल है उसको परफॉर्म कर सके बाय द कंजप्शन ऑफ दिस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल सो दिस वाज द लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टॉपिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं एनर्जी एनर्जी को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ग्लूकोज

प्रोटीन बनाने का एंजाइम्स बनाने का हार्मोन बनाने का बायोसिंथेसिस करने का उसको आगे वो कैरी ऑन कर सके सो लेट्स कम टू द एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी कौन से फॉर्म में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी इनसाइट अ सेल ये दोनों टाइप से हो सकता है अभी हम इसके टाइप स्टडी करने वाले आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एयर में भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें कौन से पार्ट को दे रहे हैं ऑक्सीजन और इन एबसेंस ऑफ एयर सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी कहाँ हो रहा है सेल के अंदर हो रहा है इसलिए बेटा काफ़ी सारे बुक्स में इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है क्योंकि ये बेटा जो लाइफ प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है इसकी साइट क्या है हमारे वो जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वहाँ परफॉर्म किया जा रहा है तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं सो इट इज़ अकरिंग इनसाइड अ सेल दो टाइप से ये हो सकता है अभी हम इसके टाइप्स करने वाले हैं आइदर इन प्रजेंस ऑफ एयर एयर के साथ मिलकर भी हम ग्लूकोज को हाइड्रेट कर सकते हैं और एयर के बिना भी फाइन सो दिस इज वॉट वी कोल्ड एज रेस्पी रेशन अब हम इसके टाइप्स कर लेते हैं एनर्जी बनाने के लिए हमारे पास दो टाइप होते हैं एनर्जी इससे बनती है रेस्पिरेशन से यानी रेस्पिरेशन के बेसिकली दो टाइप होते हैं एरोबिक एंड एना रोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रजेंस में होता है बेटा लेकिन आप इसमें अगर एयर भी मैंशन करते हैं तो भी इसकी डेफिनेशन अप्रोप्रिएट हो जाती है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेशन विच इज अक्रिंग इन प्रजेंस ऑफ एयर और यू कैन राइट ऑक्सीजन

ऑक्सीजन हमें एयर से मिल रहा था तो एयर की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है द होल प्रोसेस इज कैरिंग आउट इन अब्सेंस ऑफ एयर नो ऑक्सीजन नो एयर एट ऑल तो ये इसके दो टाइप हैं अगर हम बेनिफिशियल देखते हैं विच वन इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी ज़्यादा बनती है या एनोरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी ज़्यादा बनती है सो द आंसर विल बी एरोबिक उसमें हमारे थर्टी सिक्स जो ए टी पी मोलिक्यूल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं पर वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और यहाँ पे हम एनारोबिक प्रोडक्शन की अगर बात करें इट इज़ ओनली टू ए टी पी पर सॉरी ग्लूकोस मोलिक्यूल सो सी द डिफरेंस बेटा एक जगह हमें एक ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं वी आर गेटिंग 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और एनारोबिक कंडीशन में यहाँ पे भी हम ग्लूकोस ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे एयर का यूज़ हमने नहीं किया है सो ओनली वी आर गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी नाव इट इज़ क्लियर दैट एरोबिक रेस्पिरेशन इज द बेटर वन एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है हमारे ग्लूकोज की ग्लूकोस में बेटा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्रजेंट होता है एक एक कार्बन आइटम को हम कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड में एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर बींग रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टी पी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो इसलिए जब हम ए टी पी बनाने चलते हैं तो देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन आपने देखा होगा दैट वन टाइम वी आर गेटिंग इन साइड द गैस नेम्ड एज ऑक्सीजन एंड इन अनदर साइकल ऑफ ब्रीदिंग वी आर एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहाँ जाती है सेल के पास सेल जब रेस्पिरेशन कर रहा है एटीपी को बनाने के लिए सो so एटीपी के साथ साथ एज अ वेस्ट वो क्या प्रोड्यूस कर लेता है सी टू जिसको हम एक्जेल कर देते हैं एनवायरमेंट में तो इस स्टेप को इस फिजिकल एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं ब्रीदिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन दिस ब्रीदिंग एंड रेस्पी रेशन ब्रीदिंग बेटा जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ नोस्ट्रल्स इट कुड बी लंग्स इट कुड बी गिल्स स्किन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पार्ट होते हैं जहाँ से हम ये ब्रीदिंग एंड जो फिजिकल प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करना है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है सो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस नो एनर्जी इज बींग प्रोड्यूस्ड कोई एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूसड नहीं होती है फाइन नेक्स्ट थिंग इज नो no एंजाइम किसी भी इंजाइम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ नहीं हो रहा है नो केमिकल रिएक्शन लंग्स में एयर आती है और उसके बाद एयर विल भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एलवलाई ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड एलवलाई में डिफ्यूज़ कर देता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ट्रैकिया के थ्रू होते हुए बाहर एक्सेल हो जाती है सो so, ब्रीदिंग हमने देखा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस हो रहा है कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है ना एनर्जी बनेगी ना इंजाइम्स रिक्वायर्ड है रेस्पिरेशन फिजिकल नहीं बेटा यहाँ पे केमिकल वर्ड हम यूज़ करेंगे इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस अभी हमने देखा हमारे रिएक्टेंट कौन कौन से थे इट इज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एनर्जी विल बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी फाइन सेवरल एन्जाइम्स आर रिक्वायर्ड एन्जाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन को स्पीडअप करने के लिए हमारे बॉडी में इन्वॉल्व होती हैं सो वी नीड एंजाइम्स टू कन्वर्ट दिस ग्लूकोज इन टू ए टी पी नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर गोइंग टू फ्यूज टूगैदर टू कन्वर्ट इन टू अ प्रोडक्ट either in presence of oxygen or no oxygen is required as well fine so this was the difference between breathing and respiration respiration काफी complex process है लेकिन उसका जो first step होता है breathing वो हम कंफ्यूज कर लेते हैं कई बार इस टर्म से तो बच्चे क्या बोलते हैं मैम दैट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर द सेम थिंग But now you got to know that this is completely different from breathing. Breathing is simply taking oxygen inside the body and releasing carbon dioxide. But that oxygen ja changes the glucose our mitochondria glucose. ATP. Pe change karti hai. The whole process is known as respiration. One more thing is there in this topic that is the different pathways. Now we talked about aerobic and anaerobic respiration. Mein. अब उसका जो ऑक्सीजन हमारे इन्वॉल्व हो रही थी वहाँ पे बनेगा क्या दूसरी हमारे पास कौन सा टाइप था दिस इज अनारोबिक वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट पाथवेज ना हे ग्लूकोज जो हर एक ऑर्गेनिज्म में लाइक अ रिएक्टेंट बिहेव करता है सो द होल प्रोसेस बिगिन फ्रॉम ग्लूकोज यहाँ पे कार्बन के हमारे सिक्स मॉलिक्यूल्स या सिक्स आइटम्स होते हैं आगे हम चलते हैं द थिंग इज़ नॉन एज पायरुएट ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो जाता है पायरुएट में दिस थिंग इज टेकिंग प्लेस इन साइड द साइटो प्लाज्म फाइन तो साइटो प्लाज्म में हम सेल की बात कर रहे हैं सेल में ग्लूकोज आया बाय द हेल्प ऑफ ब्लड इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स ठीक है और सेल में ग्लूकोज आने के बाद वहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन टू अ थिंग नॉन एज पायरुएट यहाँ पर कार्बन के कितने आइटम रह जाते हैं सिर्फ थ्री थ्री को हम एक्सक्लूड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड तो पायरुवेट बेटा आगे चल के फर्दर किस पाथवे को फॉलो करता है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एक्चुअली वी आर हैविंग थ्री पाथवेज फर्स्ट पाथवे इज नॉन एज एनारोबिक जहां पे ऑक्सीजन हम यूटिलाइज नहीं करने वाले हैं सेकेंड पाथवे होता है इसका एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करने वाला है अब थर्ड जो पाथवे होता है वो होता है पार्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलेगी बट उसकी कमी है थोड़ी सी स्केरसिटी है सो दीज आर द थ्री पाथवेज पायरोवेट किन अलग अलग पाथवे को फॉलो कर सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन करके वो एटीपी जनरेट कर सकता है बेटा एटीपी या एनर्जी हर पाथवे में आपको प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी यहाँ पे भी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे भी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और यहाँ पे भी एनर्जी फॉर्म होगी बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड इन दीज थ्री पाथवे वन टू थ्री विल बी वेरिंग फाइन मैक्सिमम विल बी इन द केस ऑफ आरोबिक वन पहले हम एनारोबिक पाथवे को देख लेते हैं एनारोबिक तो यहाँ पे ये जो हमारा पायुर्वेद था इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन टू इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी Fine. So these are the three products which we will be getting ethanol, carbon dioxide, and energy. The whole thing is taking place inside anaerobic organism just like bacteria, yeast, cyanobacteria, blue green. एलगी सो मैन एग्जाम्पल्स वी आर हैविंग जहाँ पे पायरोट किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है एथेनॉल में एंड द होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन साइड अगेन द सेल तो इसको हम सेलर एनारोबिक रेस्परेशन भी बोलते हैं दिस वॉज द फर्स्ट पाथवे सेकेंड पाथवे को देखते हैं जो कि एरोबिक है यहाँ पे फिर से हमारी साइकिल बेटा पायरोट से स्टार्ट होगी क्योंकि पायरोट तक जो पूरा केमिकल रिएक्शन चलता है एक सेल में साइटोप्लास में हो रहा है वो कॉमन है चाहे हमारा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर रहा है चाहे वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है तो इसीलिए हम हर एक पाथवे में पायरोट से आगे बढ़ रहे हैं पायरोट तक मैकेनिज़्म इज सेम इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म पायरोट इज गोइंग टू तो कन्वर्ट इन टू तो ए टी पी

लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई है नाउ दिस थिंग इज अकरिंग इनसाइड द मसल सेल्स यहाँ पे पायरोट मसल सेल्स इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन Plus water. So this lactic acid is really harmful for us. ये हमारी muscles में जाके trap हो जाता है या बोले accumulate हो जाता है जिसके कारण हमें जो cramps की problem है उसको face करना पड़ता है काफ़ी सीवियर पेन होता है और अचानक से होता है बिकॉज सपोज इफ देज आर द मसल सेल्स यहाँ पे इनके सेल्स को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उतनी प्रोवाइड नहीं हुई जितनी इनकी रिक्वायरमेंट थी व्हेन वी आर द डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिग्रेस फिजिकल एक्सरसाइज ऑल ऑफ अ सडन हमने काफ़ी दिन तक जो अपनी रूटीन थी उसमें अगर कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं किया था और उसके बाद अचानक से आप रनिंग करते हैं जॉगिंग करते हैं स्टेयर्स को ले लेते हैं या फुटबॉल जैसे ऐसे जो गेम्स होते हैं आउटडोर जिसमें काफ़ी फिजिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर जो छोटे छोटे सेल्स थे वो पूरी तरह ए ना बना के लैक्टिक एसिड के मोलिक्यूल्स बना लेते हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे मसल्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं ड्यू टू देयर बिगर साइज ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं और बीच में जाके जो कॉन्ट्रैक्शंस है स्वेलिंग है उसको कॉज करने लगते हैं टिल द टाइम योर प्लाज्मा इज नॉट गोइंग टू अटैक ओवर देयर और इस कंडीशन को अगर हम ओवरकम नहीं कर पा रहे जब तक ये जो हमारी पेनफुल कंडीशन है ये ऐसे ही चलती रहती है प्लाज्मा आने के बाद इनको डाइल्यूट कर देता है लैक्टिक एसिड जो आपका बना हुआ था प्लाज्मा आके इसको डिसोशिएट कर देता है तब ये बॉडी से जाके एलिमिनेट हो जाता है और फिर आपकी जो क्रैम्स वाली प्रॉब्लम थी वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाती है सो टूडे वी आर गोइंग टू गो थ्रू द टॉपिक ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोस से लेके ए टी पी बनाने के जो डिफरेंट वेज हैं आपको पता होने चाहिए तीनों पाथुए इसके इंपॉर्टेंट है दस डायग्राम और यू कैन से फ्लो चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स टाइप्स एरोबिक एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन कंपेरिजन में विच वन इज़ बेटर